आज का ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं और वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें कैसे क्रेडिट कार्ड मिलेगा और कौन से क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट के लिए स्पेशली बनाया गया है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कैसे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एफडी का प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ। इसके पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, लेकिन वो जो तरीका था वो एफडी का था और काफी लोगों का ये कमेंट था कि हम स्टूडेंट हैं तो हम एफडी नहीं कर सकते हैं, आप हमको कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड बताइए जहाँ पे आपको एफडी नहीं करानी है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको तीन ऐसे कार्ड बताने वाले हैं जो आप ले सकते हैं जो कि बिना एफडी होगा। सबसे पहले दोस्तों क्रेडिट कार्ड का फंडा हम समझ लेते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड मिलता कैसे है। तो देखिए सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के लिए आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए, लेकिन अगर स्टूडेंट केस की बात करें तो स्टूडेंट के पास इनकम प्रूफ नहीं होता है, उस केस में उन्हें क्रेडिट कार्ड लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं तीन ऐसे कार्ड जो कि बिना आपको इनकम प्रूफ के दिए जाते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहली कार्ड से। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, आप ये चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये जो चैनल है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस मिल जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको ये कार्ड लेना है। अगेन हम बात करेंगे कि कैसे आप किस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों नंबर वन कार्ड की हम बात करते हैं जो कि है स्लाइस क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, स्लाइस क्रेडिट कार्ड जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है, उस केस में आप स्लाइस की क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्लाइस क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट्स कि आखिर स्लाइस क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट्स क्या क्या है। देखिए दोस्तों अगर हम स्लाइस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 मंथ नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी मिल जाती है। मतलब आप इस कार्ड से कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आप ये जो पैसे हैं 3 मंथ के अंदर चुका सकते हैं, जिसके ऊपर स्लाइस कार्ड आपसे 1% का यहाँ पे ब्याज नहीं लेती है। साथ में दोस्तों अगर इस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको 2% का कैशबैक भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, स्लाइस जो क्रेडिट कार्ड है इसकी ना ही कोई ज्वाइनिंग फी है, ना ही कोई एनुअल फी है और ना ही कोई हिडन चार्जेस है। स्लाइस क्रेडिट कार्ड बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। साथ में दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है आप फिजिकल और वर्चुअल दोनों रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी स्टोर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइस क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो दोस्तों इनका वीजा के साथ पार्टनरशिप है, जहां पे भी वीजा कार्ड एक्सेप्टेबल होता है वहां पे आप स्लाइस के इस क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्लाइस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए दोस्तों अगर आप स्लाइस क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपका जो एज है वो 18 साल होना चाहिए। साथ में आपके पास एक क्रेडिट हिस्ट्री अर्थात सिविल स्कोर होना चाहिए। यहां पे दोस्तों कंपनी दावा करती है कि हम जब भी किसी को क्रेडिट कार्ड देते हैं तो हम उनका सिविल स्कोर नहीं चेक करते हैं, लेकिन फिर भी यहां पे आपको अपनी सिविल स्कोर होनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको स्लाइस क्रेडिट कार्ड मिलेगा कैसे। स्लाइस क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आप स्लाइस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और वहां से आप अपनी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद आपको इंस्टेंट आपकी जो क्रेडिट कार्ड है वो मिल जाती है, और जब आपको क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाती है तो 3 to 4 days के अंदर आपको फिजिकल के रूप में भी आपका क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है। तो ये जो रहा वो पहला क्रेडिट कार्ड है जो स्टूडेंट के लिए है, जो आप ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी क्रेडिट कार्ड की। देखिए दूसरी क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो ये जो क्रेडिट कार्ड है वो है यूनिपे क्रेडिट कार्ड, जो कि आरबीएल बैंक के साथ लॉन्च किया गया है। सबसे पहले दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की भी ये फैसिलिटी है कि इसमें आपसे कोई भी इनकम प्रूफ की डिमांड नहीं की जाती है। मतलब अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो आप ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की सबसे पहले हम आपको फीचर्स बताते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलती है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से जस्ट एग्जाम्पल अगर आप 45,000 रुपीज का कोई शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पे आप इसे 3 महीने के अंदर 15,000 रुपीज करके ईएमआई के साथ चुका सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यूनिक क्रेडिट कार्ड आपको इसके ऊपर 1 रुपए इंटरेस्ट नहीं लेती है, तो यहाँ पे 0% इंटरेस्ट रेट आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर देखने को मिल जाती है। ये जो क्रेडिट कार्ड है अभी के टाइम में आपको बिना कोई ज्वाइनिंग फी और बिना कोई एनुअल फी की मिल रही है, तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। साथ में इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 1% का रिवार्ड पॉइंट मिलता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 1,000 रुपए का शॉपिंग करते हैं और आप उसे 30 दिन में लौटा देते हैं, उसके ऊपर आपको 100 रुपए का कैशबैक यहां पे देखने को मिल जाते हैं। साथ में ये जो क्रेडिट कार्ड है ये भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में सपोर्ट मिल जाता है, और इनका वीजा के साथ पार्टनरशिप है, तो जहां पे भी वीजा कार्ड एक्सेप्टेबल होता है वहां पे आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखिए दोस्तों, अगर एलिजिबिलिटी इस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसमें भी आपका एज 18 प्लस होना चाहिए, साथ में आपके पास एक क्रेडिट हिस्ट्री होना चाहिए, तब आप इस क्रेडिट कार्ड को बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट है, आपके पास कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो यकीन कीजिए मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताता हूं जहां पे आप बहुत ही आसानी से अपनी सिविल हिस्ट्री अर्थात क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको क्रेडिट हिस्ट्री तो बनानी है, तभी आपको कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर करेगा। हमारा जो तीसरा क्रेडिट कार्ड है वो आपको है वन कार्ड, जो कि स्पेशली क्रेडिट हिस्ट्री के लिए ही लाया गया है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आप एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है जहां पे आपके पास कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, उस केस में आप वन कार्ड को ले सकते हैं। दोस्तों वन कार्ड जो है वो आपको एफडी बेसिस पे मिलता है, लेकिन यहां पे भी आपको टेंशन नहीं लेना है। वन कार्ड में आप मिनिमम 2000 रुपये का एफडी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2000 रुपये के एफडी के साथ आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां पे आप जितने रुपए एफडी करते हैं उसका 110% आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलती है। और यहां पे दोस्तों वन कार्ड की भी कोई ज्वाइनिंग कोई रिन्यूअल फी नहीं है। तो अगर आप स्टूडेंट है, अगर आपके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, उस केस में आप ये वन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। वन कार्ड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जहां पे आपको 2000 रुपए के साथ आपका क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप यहां पे जो भी पैसे एफडी करते हैं, 2000-5000 जितना भी रुपए आप एफडी करेंगे, उसके ऊपर आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि SBM बैंक में आपका जो है एफडी किया जाता है। दोस्तों ये जो तीन क्रेडिट कार्ड है वो आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एफडी बेसिस क्रेडिट कार्ड, जो कि स्टूडेंट बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आप दो क्रेडिट कार्ड को चूज कर सकते हैं। पहला है ICICI बैंक की प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड, जहां पे आपको मिनिमम 10000 रुपये एफडी करना है और यहां पे आपको 9000 के अप्रोक्स आपको लिमिट मिल जाता है। जब आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी बन जाता है, और यहां पे बाद में आप क्रेडिट कार्ड टू कार्ड आप दूसरी कार्ड भी ले सकते हैं। इस कार्ड की भी कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं है, कोई भी रिन्यूअल फी नहीं है, ये जो कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री है। हम बात करते हैं अपने पांचवें क्रेडिट कार्ड की, जो कि है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आने वाला कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड। ये दोस्तों ये भी जो कार्ड है वो भी आपको एफडी बेसिस पे मिलती है, मिनिमम 10000 रुपए के एफडी के साथ आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। दोस्तों यहां पे हमने आपको पांच क्रेडिट कार्ड बताए हैं, लेकिन दोस्तों ये जो दो क्रेडिट कार्ड है ये एफडी बेसिस है, आप चाहे तो ले सकते हैं। अगर आप एफडी बेसिस क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो बेनिफिट्स आपका ये रहता है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो बन जाता है। अगर हम पर्सनली बात करें तो यहां पे दोस्तों मेरे पास अभी दो क्रेडिट कार्ड है। पहला है ICICI बैंक के कोरल क्रेडिट कार्ड और दूसरा है दोस्तों HDFC बैंक की इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। यहां पे दोस्तों दो क्रेडिट कार्ड है जो कि हमें बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप कैसे प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप ये तीनों क्रेडिट कार्ड में से कोई भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। जब आपका सिविल बन जाता है, जब आपके पास क्रेडिट स्कोर हो जाती है, उस केस में आपको क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से किसी दूसरे बैंक के भी मिल जाते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी बैंक से प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।